स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की, श्वसन की। आज के इस वीडियो में हम तीन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, इन चीजों पर चर्चा आज की इस वीडियो लेक्चर में होगी। तो चलिए स्टार्ट करें। रिस्पायरेशन या श्वसन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक डेमो के रूप में एक मनुष्य का चित्र बनाया हुआ है और साथ में उस पर एक चीज लिखा हुआ है एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? भाई इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? भोजन के द्वारा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का डाइजेशन होने के पश्चात वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, अर्थात जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वह सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और इस सिंपल फूड मटेरियल का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग जीवों के द्वारा, पौधों के द्वारा अपने जैविक कार्यों को संपादित करने में किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया रिस्पायरेशन कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो हम उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और इस ऊर्जा का उपयोग जैविक कार्यों को संपादित करने में किया जाता है। आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, हमने जो भोजन ग्रहण किया था वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में था। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कैसा था? जटिल था। इस कारण से इसको सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर में कन्वर्ट किया गया, जहां पर ये मोनोमर किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में है और इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन किया गया था जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण हुआ और साथ ही यहां पर 38 एटीपी का जनरेशन भी हुआ। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन को हम जैविक ऑक्सीकरण भी कहते हैं। श्वसन को क्या कहते हैं? जैविक ऑक्सीकरण भी कहते हैं और इस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किसमें स्थानांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित होती है और गतिज ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार इस एटीपी का डिग्रेडेशन करके उसका यूटिलाइजेशन करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और अपने जैविक कार्यों को संपादित किया जाता है। एक बात यहां पर समझ ले कि श्वसन की प्रक्रिया एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें किसी जीवधारी का वजन कम होता है। ठीक है, यहां पर क्या मतलब देखिए कि ये कैसा है भाई, ये एक प्रकार की कैटाबॉलिक प्रोसेस है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में किस पदार्थ का यूज किया जाता है, किस कार्बनिक भोज्य पदार्थ का यूज किया जाता है। देखिए श्वसन की प्रक्रिया में या श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया के प्रारंभ में जो रासायनिक पदार्थ भाग लेता है उसे श्वसनी पदार्थ कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन किया जाता है वही पदार्थ जो है वो रिस्पायरेटरी सब्सटेंट कहलाता है। ठीक है, जनरली मानव शरीर में जो है या उच्च वर्गीय पादपों में जहां रिस्पायरेटरी सब्सटेंट जो है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, इसे सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो देखिए अब ये ग्लूकोज क्या था भाई, ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। अगर मान के चलिए कभी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है हमारे शरीर में, तब ऐसी अवस्था में ओलिगोसेक्राइड से इस ग्लूकोज को प्राप्त किया जाता है। जब ओलिगोसेक्राइड भी खत्म हो जाए तब ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, पॉलीसेक्राइड का जो यूज है वो ग्लूकोज को प्राप्त करने में किया जाता है। अब थोड़ा सा यहां पर एक बात ध्यान दें कि जनरली कार्बोहाइड्रेट का ही ऑक्सीडेशन किया जाता है, लेकिन जब कभी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में खत्म हो जाती है तब ऐसी अवस्था में लिपिड का इस्तेमाल किया जाता है और लिपिड भी खत्म होने पर फिर प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है।
देखिए जो लिपिड हम यूज करेंगे वो सबसे पहले जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसराल में कन्वर्ट हो जाता है, और यही फैटी एसिड फिर बाद में एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है। प्रोटीन, प्रोटीन को एमिनो एसिड में डिग्रेडेट किया जाता है और यही एमिनो एसिड पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पाइरुविक एसिड जो है पुनः रिस्पायरेशन की प्रोसेस में ये शामिल होता है। तो कहने का मतलब यह है रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट के रूप में सबसे पहले ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज खत्म होने पर लिपिड का, और लिपिड का खत्म होने पर प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर एक बात और समझ लें, यदि हम रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जिसको कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट फैट या ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तब इस प्रकार का जो रिस्पायरेशन है उसे हम प्लावक श्वसन या फ्लोटिंग रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन की वह प्रक्रिया जिसमें रिस्पायरेटरी सब्सटेंस श्वसनीय पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट फैट या ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार का श्वसन क्या कहलाता है प्लावक श्वसन या फ्लोटिंग श्वसन कहलाता है। वहीं पर यदि हम रिस्पायरेटरी सब्सटेंस के रूप में सब्सट्रेट के रूप में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तब इस प्रकार का जो श्वसन है वह जीवद्रव्यीय श्वसन या प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसनीय पदार्थ क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार। वायु की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अवायवी श्वसन या एनएरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, या भोज्य पदार्थों का जो डिग्रेडेशन है भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्पन्न की जाती है, इस प्रकार का रिस्पायरेशन इस प्रकार का श्वसन अवायवी श्वसन कहलाता है। या सरल शब्दों में हम ये कहें कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है अवायवी श्वसन कहलाता है। इस प्रकार का जो श्वसन है निम्न श्रेणी के सूक्ष्म जीवों में संपन्न होता है। इवन जब मनुष्य बहुत ज्यादा वर्क कर लेता है या तेज दौड़ता है तब ऐसी अवस्थाओं में जो है पेशी कोशिकाएं भी जो है इस प्रकार का श्वसन करती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पर देखें यहां पर हमने देखा है ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और साथ में यहां पर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अवायवी श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहां पर एल्कोहल बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, ब्यूटारिक एसिड बन सकता है, या अन्य दूसरे प्रकार का एसिड बनता है। चलिए अब हम वापस आते हैं वायवी श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन की। श्वसन की वह प्रक्रिया जो वायु की उपस्थिति में संपन्न होती है वायवी श्वसन कहलाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। या हम ये समझ सकते हैं कि जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब इस प्रकार के श्वसन को वायवी श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में होता है, और साथ ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ इक्वेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्लूकोज लिया गया, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस लिया गया, और उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना, और साथ ही अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न हुई है। इस प्रकार का जो श्वसन है उच्च श्रेणी के जीवों में संपन्न होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको तीन चीजें श्वसन क्या है, श्वसनीय पदार्थ क्या होता है, और श्वसन कितने प्रकार का होता है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।